हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि क्या वो आपसे शादी करेंगे, विल दे मैरी यू। ठीक है, यहाँ पे करंट फीलिंग्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इस जो मैं चेक करूँगी वहाँ पे एनर्जी आने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले भी बोल दिया। गाइस, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, तो जो भी आपको अट्रैक्ट करा वही लेना, इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। जो भी आपसे रेजोनेट करे वही लेना, बिकॉज जनरल में सबकी एनर्जीज आते हैं, तो वही पिक करना। और एंड ऑल्सो की एनर्जी स्विचेस होते हैं, अगर आपको लगता है ये उनकी एनर्जी है तो वो उनकी है, अगर आपको लगता है खुद की है तो ये खुद की है, तो कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं दिखाती रहती हूँ क्या क्या है। पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ बैलेंस। पाइल नंबर 2, द थिंकिंग वूमन। एंड पाइल नंबर 3, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ठीक है, जो भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, उससे आप ले, जरूरत पड़ने पे पॉज कर लेना और कंसंट्रेट कर लेना, थोड़ा देख लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। बैलेंस वाले पे आई होप यू कैन सी। ओहो, नहीं सीन हो रहा। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, टॉप में रख देती हूँ। क्या आपके पार्टनर आपको शादी करेंगे? देखते हैं गाइस, मैं 2 कार्ड्स में चेक करूँगी, बहुत सारे कार्ड्स में चेक करूँगी आज। ठीक है, बहुत सेंसिटिव मामला है इसलिए। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना अगर पसंद आया हो तो। एक सेकंड, मैं नेट ऑफ करना भूल गई। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप फॉर पर्सनल लाइव सेशंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको शादी करेंगे? विल दे मैरी यू? पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये बैलेंस वाला कार्ड चुना है, क्या उनके पार्टनर उनसे शादी करेंगे? गाइस, इफ आई कैन, मुझे लगा था कि ऑन कैमरा ही शफल अच्छा है। ठीक है, बिकॉज पाइल अगर रखूँगी तो ये भी हो सकता है कि किसी को थोड़ा कन्फ्यूशन हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छी बात ये है कि चलो सामने ही शफल कर लेती हूँ। मैक्सिमम मैं ऑन कैमरा ही शफल करती हूँ। क्या यार, आपके पार्टनर क्या क्या, और आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा आप लोग थोड़े इमोशनल डिसबैलेंस भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है आप लोग, सोच सोच के दिमाग ख़राब है आप लोगों का। आप लोग किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, किसी टाइप ऑफ कनेक्शन। चलो मैं ही बात कर लेती हूँ। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि इससे क्या आता है। क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? शायद कुछ लोग शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टनर एक्शन ले नहीं रहे हैं और आपको और लेट करना नहीं है, हैंग सिचुएशन में हैं आप, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। ओके, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैंने कार्ड्स को हाथ लगाया है भाई, क्योंकि कुछ दिनों से मैं खुद भी बिजी थी बहुत काम में, और ठंड में तो और पूछो ही मत। ओके, तो पेज ऑफ कप्स।
पहली बात ये है गाइस, तो यहाँ पे जो लग रहा है कि हाँ करेंगे तो ज़रूर, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है उनके थर्ड पार्टी, उसके दिमाग में फाइनेंस को लेके ज़्यादा चिंता रहती है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी घर, फैमिली है, करियर है, पैसा है, ठीक है। इस इंसान को एक फाइनेंशियली सिक्योर चीज़ चाहिए जो फिलहाल अभी उसके पास नहीं है। इसी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो उनका कैरियर ठीक से हो नहीं पा रहा है, फैमिली में भी पैसों की प्रॉब्लम है। तो जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, अटक से गए हैं, आपको कुछ क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको सॉलिड कमिटमेंट देना है। क्योंकि जब तक वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी, वो यहाँ पे स्टेप्स नहीं लेंगे। और इसको लेके बहुत ही सोचते, और आप सोचते कि चीज़ों कुछ और ही है, सोच सोच के दिमाग खराब है। वो भी जानते हैं, बहुत गिल्टी फील भी करते हैं, स्टेप्ड फील भी करते हैं, इवन दो बहुत डिप्रेस भी होते हैं। सोच के अगर आप लोगों में अनबन होता है, झगड़ा होता है, या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो इस उनको भी असर पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं पड़ता, बट पड़ता है, बट वो दिखाते नहीं है, इसलिए वो साइलेंट है। कैसे बैलेंस किया जाए वो यही सोचते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन बहुत इमोशनली सेंसिटिव है। सी, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, और यहाँ पे भी ये इंसान बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हो आप? 2, 3, 4, 8, 4 + 4 8 होते हैं, यहाँ पे 48 है, समझ लो। यहाँ पे वो ड्रीम्स देखते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है फाइनेंशियल सिक्योर आपके साथ, ठीक है। वो ड्रीम्स देखते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में। अगर ब्लॉक्ड है आप लोग तो अनब्लॉक करेंगे, और वो खुद प्रपोज दे के आएंगे आपके पास, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की 1 महीने के अंदर ही बातचीत हो जाए, 1, 2 या 4, ठीक है, महीने के अंदर बातचीत हो जाए, मैसेज आ जाए। ये इंसान छुपाते ज़्यादा है, ठीक है, डर है उसको, बट दिल से बहुत अच्छे हैं, यानी प्योर, उसके प्यार में एक प्योरिटी है, इमोशन में प्योरिटी है, बट थोड़ा इमेच्योर सा है, क्योंकि वो आपकी पर्सन बहुत इंट्रोवर्टेड है, खुल के बोलता नहीं। तो आपकी पर्सन ऑफ कोर्स शादी करेंगे, अगर कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, देन योर पर्सन विल कम बैक टू यू, ठीक है, फिर से नई शुरुआत करेंगे। या फिर कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हों, या फिर आप लोग अभी प्रेग्नेंट हों, तो इसको मद्देनजर रखते आपके पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है, एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन फिलहाल एक्शन ले नहीं रहे, बस रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड पे है, बट होगा ज़रूर। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस पैसे को लेके, करियर को लेके ज़्यादा ये सोचते हैं, क्योंकि आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, सिक्योर्ड रखना चाहते हैं। ओहो, तो चलो मैं ही बाहर बाहर कर लूँ। एंजाइटी, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। केयरिंग कनेक्शन, सी केयर भी करते हैं, कनेक्शन भी उनको चाहिए, केयरिंग कनेक्शन एंड विद जेलसी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे आप ज़्यादा उनसे बेहतर हो, तो इसको लेके उनको सेल्फ इश्यूज हो, ठीक है। बेहतर यानी घर परिवार से, पैसों से, जॉब से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो थोड़ा सा उसको, उनको सेल्फ डाउट है, उसको इस कनेक्शन में वर्क भी करना है, पर अभी तो फिलहाल अटक से गए और आपको भी अटका रहे हैं। सो आप लोग गाइस ज़्यादा चिंता मत कीजिए, रोइएगा मत। सो प्लीज, यहाँ पे मुझे एयर साइन एंड अर्थ साइन ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। फायर भी है, बट फायर कम है। वाटर साइन,
कुछ लोग शायद सेपरेशन में चल रहे हैं, अभी सेपरेशन पीरियड है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। जैसे मैंने बोला, ज़्यादा सोचो मत कब आएगा डिवाइन टाइमिंग, ये वो, बस तुम करते रहो काम, ठीक है। और फाइनेंस एंड कैरियर, सी जैसे मैंने बोला, पैसों को, यहाँ पे पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और क्या, ओके मैसेजेस देख लेते हैं, ये क्या मैसेजेस मैसेजेस आते हैं, पता नहीं मैं इतनी अटक क्यों नहीं हूँ उस पर। यू कंप्लीट मी, हाँ भाई हाँ। और क्या है, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, ओके बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला। एंड चलो यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला नंबर वन, बहुत लंबा वीडियो है ना, और निकाल लेती हैं, ओके। कार्मिक साइकिल, सी कार्मिक की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ साइकिल्स होते हैं उसको ख़त्म करना पड़ता है गाइस, क्योंकि आपकी साइकिल मैं ख़त्म नहीं कर सकती, तो मेरी साइकिल आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो सब सबके खुद होते हैं, सबके अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं। नॉट हैप्पी, सी खुश नहीं है वो, बहुत चिंता करते हैं, फ्यूचर प्लान, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है, मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। ये टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, बट यहाँ पे मुझे फाइनेंस और फैमिली का वाइब ज़्यादा आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ उनकी फैमिली प्रेशर करे कि अच्छे खासे कमाओ ये वो, तब भी जाके तुम उसको कहना, ठीक है। फ्यूचर प्लान, प्लीज डोंट हेट मी, जैसे मैंने बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेट मत करो, अपना हार्ट चक्रा गाइस हील करो, ओपन करो, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। आपको लगता है आप गिल्टी फील करते हो तो ये सब मत करो, नेगेटिव मत सोचो, यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यहाँ पे गिल्टी भी है, इसको देखो ये इंसान कैसे नोच रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर, उसको लगता है वो फटा जा रहा है, नेगेटिविटी है। आपको भी कभी कभी लगता है कि थर्ड पार्टी है ये वो, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, फाइनेंस एंड करियर ज़्यादा है। लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को समझो, सुनो गाइस, एक्शन तो ज़रूर लेंगे जैसे मैंने बोला। आर्ट्स, अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग एक्सप्लोर करो, ठीक है। और आप, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से हैं और आर्ट बैकग्राउंड हो सकते हैं। अनकंडीशनल लव प्लीज, जैसे मैंने बोला थर्ड चक मतलब हर्ट चकला ब्लॉक भी हो सकता है। सो गाइस, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट पे ज़रूर बोलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाल नंबर टू द थिंकिंग वुमन चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि विल दे मैरी यू, क्या आपके पर्सन या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। सो गाइस, एक जनरल देंगे, मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, मैंने पहले भी बोला है, तो क्योंकि सबके एनर्जीज आते हैं तो वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे, और एनर्जी कैन बी स्विच, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए है तो ये आपके लिए, अगर आगे को उनके लिए तो उनके लिए, जो भी आपसे रेजोनेट करे वही लेना, तो ज़्यादा चिंता मत करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर टू द थिंकिंग वुमन, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे। आज बहुत से कार्डों से मैं चेक करूँगी, ठीक है, तो रहना। एक्चुअली गाइस, साइन या सिंबल्स मैटर नहीं करते, अगर मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा।
ओहो क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे? पाल नंबर टू। और एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड। ओके द चेंज, स्लोइंग डाउन, अलोननेस, कॉम्प्रोमाइज, लेंगे इनटू पास्ट एंड प्रोजेक्शंस। मैंने एक मांगा तो दो दे दिया। चलो और एक ले लेते हैं। चलिए पहले पायल में मेरे चार कार्ड्स लिए थे तो यहाँ पे चार ही आए थे, मुझे मैंने देखा नहीं। ओके एक ही दिया और एक ही आया। थैंक यू, उपकार कर दिया मेरे पे। ओके पास्ट लाइफ्स, मुझे लग रही आ रहा था। आप लोग, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है पर सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों को तितलियां ज्यादा दिख रही है आजकल, बटरफ्लाइज। नींद में आते हैं आपके पार्टनर कभी कभी, और आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों को गुलाब ज्यादा दिख रहे हैं। आप लोगों को चेंजेस चाहिए पर चेंजेस हो नहीं पा रहे। ठीक है और देख लेते हैं, मुझे और चाहिए, और कर्ज चाहिए। एक्चुअली मुझे ये डेक ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डेक था। मेरा फर्स्ट डेक था तो इट कनेक्ट्स अ लॉट विथ मी। ये बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी डेक्स नहीं होते, बट पहली बार जो चीज़ें मिलती है यार, उनकी वाइब्स ही कुछ अलग होती है। तो मुझे ये डेक्स बहुत पसंद है, कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मतलब भले मेरे पास बहुत डेक्स डेक्स हो या डेक ओके, पता नहीं आज मैं क्यों अटक रही हूँ इतना। डेक हो तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इससे मैं कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ। आपकी पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते ना, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, बहुत ज़्यादा स्टक स्टक, मतलब करते हैं करते नहीं है, एक्शन लेते हैं लेते नहीं है। आपको भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं ये इंसान। यू आर आ जाओ बोल दो, बट ये नो नो नो, अभी नहीं अभी नहीं, ये मुझे लग रहा है। ओके बहुत ज्यादा है ये, स्टक। यहाँ पे मैंने स्टक बोला, देखो एट ऑफ शॉर्ट की एनर्जी आ गई। तो गाइस पहले की बात अगर बोलूँ तो शादी करेंगे या नहीं, तो हाँ जरूर करेंगे भाई, बहुत ही अच्छी बात है ये, कॉन्ग्रेट्स। आपके पर्सन अकेला सा फील करते हैं, लोनली सा फील करते हैं, बट बहुत ही ज्यादा स्लो है। ठीक है, कंफ्यूज्ड है। शायद उनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ, किसी ने उनका दिल तोड़ा, या फिर ऐसा कुछ, कोई उन्होंने चीट किया, तो इससे
वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत अनबन हुई तो उसको लेके भी उसको लाइक गिल्टी फील होता है, उसको लगता है वो अकेले अकेले थक चुका है। बट उनका ये प्रॉब्लम है कि वो कंपैरिजन करते हैं लोगों में, बहुत बहुत ज़्यादा मुंह मारते हैं, इसको देखते हैं उसको देखते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर वो सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब पहले गलत चॉइस, अगर उसके सामने सोने का कटोरा भी दे दो, लाइक आप लोग, मैं बोलूँगी सोना, ठीक है, अगर आप लोग जो सोने की तरह हैं, ठीक है, अगर आपको भी दे दिया जाए उनको, उनको लगता है नहीं ये अब नहीं, उससे बेहतर मुझे मिलेगा, पर ये करते करते ना वो खुद को हर्ट तो कर ही रहे और खुद वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उनको पता है कि वो आपके पास आएंगे, नजरे हैं, बट उनको लगता है चलो वो और देख लें और देख लूँ, इस तरह से आते हैं। और आप लोग लाइक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में भी वो बहुत सोचते हैं, स्पाई भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी स्पाई करते हैं, आपके पर्सन बहुत माइंड में स्टक है, शायद एयर साइन हो सकते हैं, एयर साइन की ये बड़ी गलती है, वो ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं और हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस इन द साइकिल्स, अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ, यूनिवर्स की बात करूँ, तो हो रहे हैं बट बहुत ही धीरे धीरे से, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। उनको लाइक सब कुछ चाहिए, ठीक है, मतलब जादू की तरह सब कुछ चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। आपके पर्सन शायद आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, उनको नई शुरुआत भी चाहिए, वो आपको केयरिंग भी देखते हैं, वो आपके साथ फैमिली भी सोचते हैं, बट उनकी यही आदत ना उनको डुबाएगी, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत कुछ चाहिए, वो एक में नहीं रह सकते, उनको सब कुछ चाहिए। जब इसका बास लगेगी तब जाके उसका अक्कल आएगी, और वो आएगा भाई बहुत जल्द आएगा, पर शादी तो आपसे करेंगे भाई, सोच भी रहे हैं। ये आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स देखते हैं, ठीक है, आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स देखते हैं, आप लाइक हाँ आप उनके माइंड में हैं, दिल में हैं, सोचते भी हैं आपके साथ, बस फिर भी शायद किसी कोई उनको कन्वेंस करता है, शायद उनके फ्रेंड्स, कि चलो ये इसको रख दो साइड में, बाद में देखो और क्या होता है, चाहे आपको कोई और बेहतर मिल जाए या बेटर मिल जाए, ठीक है, बट वो आपके साथ ही ये देखते हैं टेन ऑफ कप्स, लाइक मुंह मारो, लोगों की बातें सुनो, फिर जब बास लगेगी, लात लगेगी, तब जाके अक्ल आएगी, तब जाके ये इंसान आएगा। द मैजिशियन है एनी हाउ, वो आपको मैनिफेस्ट करे, सेवन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स देख रहे हैं, मैनिफेस्ट भी करना है, और मैजिशियन इज लाइक स्टार्टिंग भी होता है ये न्यू तरीके से, और यहाँ पे टेन भी है, ये टेन है, नंबर टेन है ये, तो यही बोलूंगी कि एक स्टार्टिंग तो होगा, यहाँ पे भी टेन है, टेन टेन, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे भी सेवन, यहाँ पे एट, सिंक्रोसिटीज, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सोलमेट लग रहा है, यहाँ पे कनेक्शन, इन्फिनिटी सिंबल भी दो दो है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम या फिर कोई हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि एनर्जी क्या आता है आपको, वो बहुत एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप लोग शायद इनसे बातचीत करना आप लोगों ने छोड़ दिया, तब जाकर उनको खालीपन सा लग रहा है, अब भी उनको रियलाइज हो रहा है, और ये होना भी चाहिए गाइस, आप लोग खुद पे फोकस्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को शायद, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं या फिर काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप लोगों को शायद तितलियाँ ज़्यादा दिख रही है, किताबें पढ़ना अच्छा लगे आप लोगों को, ज़्यादा सोचते हैं, क्लियरेंस नहीं है उनको, सिक्स चक्रा आज्ञा, आज्ञा चक्र, मैं हिंदी बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सिक्स चक्रा से छिपाते हैं, बहुत स्नीकी बिहेवियर करते हैं आपके पर्सन, मतलब आपको हाँ भी नहीं बोलना और ना भी नहीं बोलना, क्योंकि अगर ना बोले उनको पता है कि आप चले जाएंगे और वो ये चांस गवाना नहीं चाहता, और हाँ भी नहीं बोलेंगे कॉज है वो, क्योंकि कन्वेंस में आते हैं, डोर टू रोमांस ऑल टाइड अप, सी मैंने जैसे बोला स्टक फील करते हो, यहाँ पे भी देखो एट ऑफ सॉर्ड है, समझ रहे हो, बहुत स्टक फील करते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि क्या आता है मैसेजेस, ये वो
भाई ये इतना खुश हो जाओ कि हाँ शादी करेंगे, और आप लोग मैनिफेस्टेशन ज्यादा करते रहिए, वो एक्शन तो लेंगे जरूर। ये जो एनर्जी है यहाँ पे वो टेम्पररी मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, भले ही अभी स्लो है। मतलब उनको लाइक जहाँ पे भी जाना है उनको होम ही वाला फील आना है, होम, वो आपके पास होम सा फील करते हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, सी यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पायस, सेजिटेरियस, ठीक है, साइन डज नॉट मैटर अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन, सी उनको पता है, इसलिए वो चांस गंवाना नहीं चाहते। हाँ भी नहीं बोलना और ना भी नहीं बोलना, अटके रहो भाई। चलिए और देख लेते हैं कि चिट्स में क्या आते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और लेते हैं। ओके, लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुने सुने आप लोग, और मेडिटेशन वगैरह करते रहे। लुक फॉर अ साइन, यू आर रेडी, सो गाइस यू आर रेडी, यूनिवर्स भी कह रहा है आप लोग रेडी है, तो अभी डाउन मत होइए। और जो लोग डाउन है थोड़ा सा अपने वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश कीजिए, इतना अटके मत रहिए। कार्मिक फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला सी फ्रेंड्स हो सकते, कान भरते, यहाँ पे ये आया है, कार्मिक फ्रेंड्स तो होंगे जरूर। स्पाइक, ये भी मैंने बोल चुकी हूँ, आपके ऊपर नजर है उनकी, स्पाई भी करते हैं। रिकवरी, रिकवरी हो रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर कट भी हो जाए यार गाइज, ये भरने में थोड़ा टाइम लगता है। सो सी सेम थिंग इज हैपनिंग, थोड़ा टाइम लगेगा, यूनिवर्स अपने हिसाब से करेगी, सो डोंट चेज द यूनिवर्स, इट विल गो अकॉर्डिंग टू देम, टू इट। टेंस है बहुत, चिंता में भी है बहुत, एग्जॉस्ट भी है, लोनली भी लग रहे हैं। वाई हो सकता है, इनिशियल्स या फिर क्वेश्चन ज़्यादा है उनके माइंड में या फिर आपके माइंड में। एन भी हो सकता है नाम में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ हो सकता है, ठीक है, शायद मैसेज कर दे या बात कर दे या फिर कुछ भी हो, साइन दे दे, ठीक है, या फिर चाहते हैं कि आप थोड़ा कुछ करो, बट आपको अभी कुछ नहीं करना। कुछ लोग होते हैं क्यूरियसली, ज़्यादा जल्दी जल्दी कर लेते, पहली स्टेप ले लेते, फिर क्या होता है, फिर वही बांस खाते हैं, तो प्लीज डोंट डू इट, आप लोग पेशेंस से धैर्य से काम लो, जल्दी से कुछ नहीं होता। आर्ट्स, क्रिएटिविटी से एंगेज रहो, रिलैक्स रहो गाइस, ठीक है। सो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मुझे बोलना मत भूलना कमेंट में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये मैन होल्डिंग ए हार्ट चूज किया, चलिए देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, विल दे मैरी यू, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एंड पाइल नंबर 2 गाइस, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ये जो कार्ड्स है मैंने ये चेक करना, मैं भूल गई, मैं इसे लास्ट को दे दूंगी, ठीक है, लास्ट में। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको शादी करेंगे आपसे या नहीं, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो मैं बहुत सारे कार्डों से चेक करूंगी, सो डोंट वरी गाइस। अगर मैसेजेस आपसे रिजोनेट हो रहे हैं तो ये आपके लिए ही है, ठीक है, जो भी आपसे रिजल्ट करे वही लेना। एनर्जी कैन स्विच, ठीक है, अगर आपको लगे मैसेज आपके लिए तो ये है, या फिर उनके लिए तो ये उनके लिए, क्योंकि एनर्जी मेल या फीमेल नहीं होती, जेंडर नहीं होता एनर्जी इसकी, ठीक है, फेमिनिन होती है, डिवाइन होती है, मतलब मैस्कुलिन होता है, दैट्स इट। चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। ले ओके, एक साथ बहुत कार्ड्स आ गए हैं भाई। योर पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, चेंज चाहिए, एक ही साइकिल रिपीट करते करते थक चुके हैं ये इंसान, और आप भी। उनको लगता है लाइक वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड
इंसान है, लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं उनके अंदर, बिजली कड़क जैसे। आप बहुत बिंदास है, आपके थोड़े चेंजेस अपेयरेंस में, चेंजेस बिहेवियर में, चेंजेस देख के लाइक बोलो क्या हो गया ये अचानक से। ठीक है चलिए और देख लेते हैं, शायद कुछ लोग यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है आपके पर्सन के माइंड के अंदर, बहुत कुछ चलता है, ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है यहाँ पर, यकीन नहीं कर पाते, दिल और दिमाग में है प्रॉब्लम। शायद उम्र में बड़े हो सकते हैं आपसे, थोड़ा एज गैप है यहाँ पे। ओके, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। ठीक है, आप लोगों ने चीजों को लेट गो करना सीख लिया है। आई थिंक ये बंदा पहले आप इनको चेस करते थे, बट अब नहीं करते, बंद कर चुके हैं आप लोग। गाइस जॉडिक साइंस एसेंशियल नहीं है, ठीक है, अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो। स्ट्रेस में भी है बहुत, आना भी चाहते हो, वाह बहुत खूबसूरत है, और नहीं करना भाई और नहीं चाहिए। ओके, ये पर्सन बहुत इन एंड आउट होते रहते हैं आपके, बहुत क्लियर टाइप के एनर्जीज में रहते हैं ये इंसान, ठीक है, सबके साथ, बट आप जब आपके पास आते हैं तो भाई प्यार में पड़ जाते हैं, लाइक इस तरह के, फिर वो डर के वो भाग जाते हैं, बहुत डरते हैं ये कहने से, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा घुमा लेती हूँ। ओके वेट अ सेकेंड, आपके पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, शायद आप लोग ब्लॉक भी है, और या फिर उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसीलिए वो डर के मारे अभी शायद कुछ प्रॉब्लम्स थे उनकी खुद की, वो खुद लड़ना नहीं चाहते या कोई अफोर्ड देना नहीं चाहते थे, तो जिस वजह से डर के मारे वो आ गए, आपको कुछ क्लियरली बोला भी नहीं, समझ रहे हैं आप? आई होप यू कैन सी गाइस। ओके, एंड उसके बाद जो हुआ, बहुत लोग इन्वॉल्व भी है इसमें, मतलब इधर उधर, वो आना तो चाहते, लड़ना तो चाहते हैं, बट समझ नहीं पाते, शायद फैमिली इश्यूज थे कि सच सोचते हैं, क्यों क्या उनकी फैमिली उन एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये वो लाइक मुझे और चाहिए। या आपके पर्सन लॉयल भी है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा मूडी टाइप के हैं भाई, अगर बोलो शादी करेंगे या नहीं तो जरूर करेंगे भाई, ये पहली बात पहली बात ये है कि शादी करेंगे और बहुत जल्दी आएंगे। शायद आप लोग अभी स्नीकी बिहेवियर करते हैं, आपने जब नोटिस किया तो चलो छोड़ो ये वो, आप लोगों ने लाइक दिमाग ध्यान लगाना बंद कर दिया, और ये जो चेंज अपीयरेंस है आपके अंदर, मैंने पहले भी बोला था, इसको उनको देख के शॉक लगा, आप ज़्यादा भाव नहीं देते अब उनको, वो चाहते हैं आपको ऑफर करना, ठीक है। ओह माय गॉड, सी क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, वो आपको लाइक क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है गाइस, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है ये जोड़ी भी निकला है, सी 7 8 सख्त है ये इंसान, अब इनकी फट रही है, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स, ये इंसान तो आएंगे, तो जरूर आएंगे, अभी तो आएंगे ही आएंगे, अब आएंगे ये, तो पहली बात ये है कि शादी करेंगे या नहीं, डेफिनेटली करेंगे,
वो खुद आपका अप्रोच करेंगे क्योंकि आप उन पे ध्यान लगाना बंद कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। गाइस आप लोग शायद किसी जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ज्यादा नहीं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल ये है आप लोग, कनेक्शन है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, आप द जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है, आप बहुत इंट्यूशनली है, आप बहुत इंट्यूटिव भी है, आपको लाइक आप सोचते हैं ज्यादा, ठीक है, आपकी नजर उन पे है बट वो सोचते हैं कि नहीं है, ठीक है, और आपके पर्सन ओपनली नहीं होते, थोड़ा चेंजेस वगैरह करते रहते हैं अपने अंदर, ठीक है, और आप लाइक अभी उस एनर्जी में है कि जो आपको चाहिए आपको वो मिल जाए, अब आप वही उस एनर्जी में है। तो गाइस अगर आप लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन स्पेशली, तो बहुत ही अच्छी बात है, चेयरफुल रहिए, हैप्पी रहिए, और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फोर ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स, और क्या चाहिए आपको, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, यूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है आप लोगों के लिए। चलिए और देख लेते हैं, मैंने ये ट्राईपॉड को भी लात मार दी, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद आप लोगों ने लात मार के बाहर निकाल दिया, चलो हटो, इससे कुछ नहीं होगा, अब और नहीं करना, अभी वो किंग ऑफ वंड्स की पावर में है और वो लड़ना चाहती है आपके लिए। रिलीज योर एक्स, पास्ट की एनर्जीज को भूल जाइए और एनर्जीज रिलीज कीजिए। ये एक्स, वो सांप वाला एक्स नहीं, सबके लाइफ में एक एक होते हैं सांप कुछ। फॉरगिव इन लर्निंग है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, अगर फैमिली की इश्यूज की वजह से आपको छोड़ के चला गया, अपनी फैमिली को चूज किया, तो अभी भाई सब कुछ ठीक होगा। न्यू लव, ये पर्सन एक न्यू तरीके से आएंगे आपके पास, जिसे आप, शनि पर्सन ने पहले आपको कुछ बोला नहीं, कुछ शो नहीं किया, तो अभी उनकी फटी पड़ी है, जब आपने टोटली चेंज हो गई आपकी दिमाग, ठीक है, जब आपने दिल लगाना, माइंड लगाना, एनर्जी लगाना बंद कर दिया, तो इसका तो भाई समझ लो, तो यूनियन का टाइम बहुत नजदीक है गाइस, और देख लेते हैं क्या है एनर्जी इसमें, तो शादी तो जरूर करेंगे, ट्रस्ट रखिए गाइस, आप लोगों ने जिस तरह से अपने आपको अपने को डेवलप किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। के फर्स्ट चक्रा मतलब रूट चक्रा है, ठीक है, मूलाधार है, मैं हिंदी भी बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पेशेंस, सी आप लोग बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं और पेशेंस गवाइएगा मत, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, इस तरह से आप लोग करते रहिए, अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग ये बहुत जल्द होने वाला है, शायद मार्च में हो जाए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जुलाई या अगस्त में हो जाए, ठीक है, सितंबर में भी हो सकता है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, से आपकी पर्सन पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे तो बहुत जल्द आएंगे। द मैजिशियन, समझ रहे हो तुम स्कीमें, समझ रहे हो, ओके चल लेट्स सी एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से क्या है। डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग होगा सब कुछ, मुझे यार बहुत अच्छा लगेगा। ई फेदर्स, सी यहाँ पे फेदर भी आ गया, यहाँ पे एंजल भी है, एंजल में भी फेदर है, आई होप यू कैन सी इट गाइस। पीसफुल रिजोल्यूशन, अब जो भी होगा पीसफुल होगा। आई एम स्टक, सी अभी के लिए तो भाई बहुत ज्यादा चल रहा है स्टक, आप लोग ये एनर्जी को लो मत कीजिए, लिसन टू इंट्यूशन, डोंट वरी, ज्यादा चिंता मत करो, उनको माफी मांगना है उसने पास्ट में जो किया, एफ हो सकता है, सी के इनिशियल्स, नर्वस है बहुत, हेल्पफुल पीपल हेल्प चाहते हैं या फिर किसी से हेल्प मांगे या फिर आपको देखते हैं हेल्पफुल नजरिए से, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश करो, और चलिए देख लेते कि मैसेजेस क्या है रोमांटिक वाले, ठीक है, ओके। योर फैंटेसाइज
प्लेइंग विथ माइंड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको. ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ कहना है इसको. यू लव मी लाइक नो अदर. ओके, बहुत कुछ. आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे. यू आर माई अदर हाफ. जैसे मैंने बोला, ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा, बहुत. देखो भाई, देखो, इतना ज़्यादा हो रहा है सब कुछ. ज़्यादा ज़्यादा फायर पैशन को भी दिखाते हैं. ओके, देख लो भाई, ये देखो, आग बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई. ये सन कार्ड मुझे दिखा रहा है, ये आई फील लाइक इट्स सन. सो गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है, तो बहुत पॉजिटिव रहिए. मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है, बहुत अच्छा. सो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे बताना कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. पायल नंबर 2, आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं, मैं भूल गई थी एक्चुअली. ठीक है, तो लेट्स सी. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए. वेरी सून जो आप चाहते हैं वो जल्द होगा. पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स. चौकन्या रहिए वेडिंग. ठीक है, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, या फिर बहुत पॉजिटिव कुछ होगा. ठीक है, आपको शायद शादी के लिए भी प्रपोज कर दे. ठीक है, यहाँ पे सोलमेट है. मैंने पहले वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, दिस कुड बी द वन. ठीक है, सो बी पॉजिटिव गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.